नमस्कार दोस्तों, इनकी आयु 37 ईयर्स है। जब किसी व्यक्ति के हाथ में इस तरह की रेखा धनुषाकार बने तो व्यक्ति समझदार होता है। यहाँ पर केवल ये उंगली थोड़ी सी ऊपर है, बस ये वाली। तो इसको वो वाला जो हमेशा बताता हूँ, वो वस्तु लागू नहीं होती। तो ऐसे लोग समझदार होते हैं और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ते हैं। ये पूरा स्क्वेरिश पाम है। ऐसे लोग मेहनती होते हैं और मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाते। अंगूठा अच्छा खासा मुड़ रहा है तो ऐसे लोग मित्रतापूर्ण व्यवहार के होते हैं। अच्छा खासा समय मित्रों में जाता है। फर्स्ट फैलेंज नुकीला है और बड़ा भी है तो कार्य के प्रति अच्छी खासी जिद होती है, पर सेकेंड फैलेंज इतना दमदार नहीं है तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज नेचर भी होता है और लॉजिक तथ्यों के साथ इतनी स्पष्टता से बात नहीं कर पाते। उंगलियां छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है और फास्ट निर्णय लेते। सूर्य की उंगली भी देखिए काफ़ी बड़ी है। जब सूर्य की उंगली बड़ी हो तो व्यक्ति हिम्मती होता है। जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी हो तो आसानी से लेते। और यहाँ पर देखिए छोटी उंगली काफ़ी बड़ी है। ऐसे लोग डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, इन सारी वस्तुओं में व्यक्ति एक्सपर्ट होता है। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। बुध पर्वत पर एक सिंगल लाइन, और बुध पर्वत मैं दबा भी नहीं कहूंगा और ना ज्यादा उभार वाला कहूंगा, व्यवस्थित है, नॉर्मल जैसा होना चाहिए वैसा है। और ये लाइन अगर हो तो बुढ़ापे में व्यवस्थित इनकम आती है। सन माउंट पे इनकी साइनें देखने की कोशिश करते हैं। एक बढ़िया सी साइन यहाँ पर है, ये सन लाइन पर है तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। पर एक आध दो छोटी छोटी साइनें भी है, जैसे यहाँ पर हल्की सी है और एक इस जगह पर भी एक छोटी सी साइन है। पर ये सन लाइन पर है, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। शनि पर्वत एकदम फ्लैट है। आलस क्या होता है व्यक्ति को पता ही नहीं होता। एक्टिव लोग रहते हैं ऐसे लोग। एक लाइन जुपिटर की ओर जा रही है तो व्यक्ति को 4 लाभ प्राप्त होने के चांसेस रहते हैं। पॉलिटिकल लाभ, सरकारी लाभ, जो भी कार्य करेंगे बड़े स्तर का करते हैं, या शादी के बाद ससुराल पैसे वाला होता है तो कई लोगों को 4 लाभ मिलते, किसी को 3, किसी को 2 और किसी को 1 लाभ। जुपिटर जरा भी खराब नहीं है, काफ़ी उत्तम जुपिटर माउंट है, पर इतना बड़ा भी नहीं है, व्यवस्थित जैसा चाहिए वैसा है। तो ऐसे लोगों को पारिवारिक सांसारिक समस्याएं सताती नहीं। एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, ये व्यक्ति को मल्टीपल इनकम के सोर्स देती है। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह की मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। सेवा भावी और धार्मिकता, ये सारे गुण व्यक्ति को मिलते हैं। अंदरूनी मंगल भी काफी उत्तम है तो शारीरिक ऊर्जा ऐसे लोगों में काफी उत्तम होती है। बाहरी मंगल इतना उभार वाला नहीं है। तो ऐसे लोग जब किसी से मिलते हैं तो उतनी एनर्जी से नहीं मिलते कि अपनी छाप छोड़ पाए। बहुत संयम से सामने वाले पे ट्रस्ट बैठता है तब आगे बढ़ते हैं। इस तरह की मानसिकता इनमें रहती है। इनके यहाँ पर अगर एंड में देखें
तो एक ट्रायंगल भी है, तो ये इन्वेस्टमेंट भी करते रहते हैं बिटकॉइन और इस तरह के, तो ये विदेश से धन प्राप्ति के योग बताती है। और चंद्र पर्वत भी, इनके माउंट बहुत ज़्यादा उभार वाले नहीं कहूँगा मैं, मध्यम टाइप के। हाँ एक एडवांटेज जरूर है, एक पूरा ग्रेटर ट्रायंगल बन रहा है, तो बुढ़ापे तक इतनी तो संपत्ति जमा कर लेंगे कि शांति से खा सके। ये व्यक्ति को शेयर सेक्टर में इंटरेस्ट दिलाती है लाइनें, जो ऑलरेडी ये है भी, इंटरेस्ट लेते भी है। और ये जो लाइन है ये व्यक्ति को हाजमे का प्रॉब्लम देती है। हाँ शुक्र पर्वत व्यवस्थित है, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी तरह रहना, ये सारे लक्षण व्यक्ति को मिलते हैं। हृदय रेखा एक सर्टन एज के बाद, पहले तो शुरुआत में काफ़ी आगे से चल रही थी, पर एक सर्टन एज के बाद शनि पर्वत से शुरू हो रही है, तो आसपास 31-32 के आसपास से ये पैसे की तरफ इनका झुकाव बढ़ गया होगा, कामुक भावना बढ़ जाती है, ये सारी चीज़ें होती है। और ये लाइनें नीचे की तरफ जा रही है, तो मित्रों को सके समझो को पैसा देते और पैसा वापस नहीं आता, ये माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में लाइन रहती है। और फ्लड लाइन भी है, व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। माइंड लाइन 2-3 टुकड़ों में चल रही है, एक ऐसे और फिर यहाँ से भी ऐसे, और ये चलकर धीरे धीरे नीचे जा रही है। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी थोड़ी धार्मिकता इनमें आती जाएगी, बाकी माइंड लाइन उत्तम है, कोई प्रॉब्लम जैसी बात नहीं है। अब इनको कंटिन्यू 2-3 रेखाओं ने काटा, एज 35 के आसपास से ये रेखा काटी और ये लगभग 37 तक ये चल रही है रेखाएं, ये 2-2.5 साल का पीरियड है। पर ये जो लास्ट वाली राहु रेखा थी यहाँ पर, अभी ये काफ़ी हैवी काटी है, तो काफ़ी पेन सहन कर रहे होंगे। और एक लगभग 38 के आसपास भी काटेगी हल्की सी, और इसी के आसपास कोई नियर एंड डियर की डेथ की लाइन भी है। उसके बाद एक राहु रेखा आएगी एज ऑफ 42 के आसपास, 41-42 के आसपास, फिर 46 के आसपास एक राहु रेखा आएगी। और इनकी देखिए जीवन रेखा यहाँ पर देखिए तो बहुत बड़ा गैप है, पर इस गैप को भरने के लिए एक बारीक सी रेखा आई और इस तरह से जॉइंट हो गई। अगर ये फोटो क्लियर नहीं आता तो ये रेखा दिखती भी नहीं और मेरा जजमेंट पूरा चेंज हो जाता, पर बारीक सी रेखा है, किसी को स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकता है, उसे पता चलेगा। फिर 46 के आसपास राहु रेखा काटेगी, 46 के बाद लगभग 51 के आसपास एक राहु रेखा काटेगी, 53 के आसपास ऑफशूट है, फिर 55-59 ये राहु रेखा इनको काटेगी कंटिन्यू, और इसी जगह पर नियर एंड डियर की डेथ भी है। फिर 61 में एक राहु रेखा काटेगी, फिर 66 और 68 में राहु रेखा काटेगी, और 72 में ऑफशूट है और नियर एंड डियर की डेथ की लाइन है। इतनी तकलीफें इनको राहु रेखा की वजह से आएंगी। अब धन रेखा पर देखो, ये बहुत बड़ा कट था एज ऑफ 35 में,
उसके बाद एक कट आएगा लगभग 46-47 के आसपास, यहाँ पर भी इनकी हालत ख़राब हो जाएगी, यहाँ पर भी इनको काफ़ी बड़ा आर्थिक लॉस गया। अब जनरली माइन लाइन के ऊपर 36 के ऊपर एज होती है, पर किसी भी माइन लाइन इतनी जब झुके तो एज कैलकुलेशन और धन रेखा ऐसी साइड में हो तो तकलीफ वाला काम होता है, तो ये इस तरह से गिना जाता है। और एक कट लगभग 38-39 के आसपास भी इन्वेस्टमेंट में भी लग सकता है या वर्तमान में भी चल रहा हो। यहाँ इतनी एक्यूरेसी नहीं आ रही है क्योंकि माइंड लाइन का जजमेंट नहीं जम रहा। अब ये इन्वेस्टमेंट की लाइन अच्छी है कंटिन्यू, तो इनको ग्रोथ इन्वेस्टमेंट से भी काफ़ी अच्छी मिलेगी। अब इनकी धन रेखा को देखते हैं, बहुत बारीक सी धन रेखा है। ये 33 के आसपास से नया काम चालू हुआ, एक 35 में कट लगा इनको, एक 46 के आसपास कट लगेगा इनको। और यहाँ पर अगर धन रेखा को देखें तो हर जगह थ्रेड दिखाई दे रहा है, पर इतने पार्ट में थ्रेड नहीं है। ये कट लगने से लेकर इतने पार्ट में, तो ये 3 साल का समय थोड़ा संघर्ष वाला रहेगा इनके आर्थिक रूप से, पर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की जो इनकम होगी वो काफ़ी उत्तम है। उसके बाद फिर वापस इनकम चालू होगी, फिर यहाँ पर 56 से लेकर 58 तक भी तकलीफ आएगी थोड़ी सी, उतनी मजबूत नहीं होगी, और फिर 59 से एकदम उत्तम धन रेखा चल रही है। और ये इन्वेस्टमेंट से तो ऑलवेज इनकम इनके पास आती रहेगी, तो मेन धन रेखा से ज़्यादा अच्छी धन रेखा इन्वेस्टमेंट वाली है। यहाँ पर भी इतनी तकलीफ नहीं आएगी क्योंकि साइड में और एक लाइन है, बस ये इतना पीरियड इनकम वाइज थोड़ा सा कमजोर रहेगा, 2.5 से 3 साल का समय। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।